गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। एंड टुडेज टॉपिक इज अंग की मात्रा। सबसे पहले अंग का चिन्ह देखिए, कैसा चिन्ह होगा किसी भी वर्ण के ऊपर। गोलाकार रूप में, गोल बिंदी के रूप में अंग की मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। अब अंग को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अंग का दूसरा नाम क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार क्यों अनुस्वार बोलते हैं, क्योंकि जब भी अंग का उच्चारण किया जाता है तो इसकी ध्वनि मुंह और नाक के द्वारा निकलती है, ठीक है। इसलिए इसे हम अनुस्वार कहते हैं। कहाँ से ध्वनि उच्चारित होगी, मुंह और नाक से। चलिए मेरे साथ आप भी दोहराए, क खपे अंग की मात्रा कंग, ख खपे अंग की मात्रा खंग, ग घपे अंग की मात्रा गंग, घ घपे अंग की मात्रा घंग। अड़े पे नहीं लगाते हैं। च चपे अंग की मात्रा चंग, छ छपे अंग की मात्रा छन, ज जपे अंग की मात्रा जन, झ झपे अंग की मात्रा झंग। ई में मात्रा नहीं लगती है। ट टपे अंग की मात्रा टंग, ठ ठपे अंग की मात्रा ठंग, ड ढपे अंग की मात्रा ढंग, ढ ढपे अंग की मात्रा ढंग। अणे में मात्रा नहीं लगती है। त तपे अंग की मात्रा तंग, थ थपे अंग की मात्रा थंग, द धपे अंग की मात्रा दंग, ध धपे अंग की मात्रा धंग, न नपे अंग की मात्रा नन, प पपे अंग की मात्रा पंग, फ फपे अंग की मात्रा फंग, ब बपे अंग की मात्रा बंग, भ भपे अंग की मात्रा भंग, म मपे अंग की मात्रा मंग, य यपे अंग की मात्रा यन, र रपे अंग की मात्रा रंग, ल लपे अंग की मात्रा लंग, व वपे अंग की मात्रा वंग, श शपे अंग की मात्रा शंग, छ सपे अंग की मात्रा शंग, स सपे अंग की मात्रा संग, ह हपे अंग की मात्रा हंग, श शपे अंग की मात्रा शंग, त्र त्रपे अंग की मात्रा त्रंग, और ग्य ग्यपे अंग की मात्रा ग्यंग। तो ये आपकी अंग की मात्रा है, जिसकी बारह खड़ी का आपको अभ्यास करना है और इसकी ध्वनि को आपको उच्चारित करना है। और उच्चारण करते समय आप क्या ध्यान रखेंगे कि इसकी ध्वनि किसी भी वर्ण के साथ जुड़ के उच्चारित होगी, ठीक है। और इसकी ध्वनि कहाँ से निकलेगी, मुंह और नाक से। और कैसे उच्चारित होगी, जैसे क क क की ध्वनि के साथ अंग की मात्रा जुड़ेगी तो कंग, ठीक है। आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। मीट इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, सी या।